हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोइम को, और जो पोइम का नाम है हाईवेमैन। इसमें क्या होता है, ये पोइम लिखी है अल्फ्रेड नोस जी ने, और इसमें क्या होता है कि एक लव स्टोरी भी है और ये एक सैड स्टोरी भी है। जैसे रोमियो जूलियट की थी ना, जिसमें उनकी दोनों की डेथ हो जाती है, ऐसा ही कुछ इस पोइम में भी है। और इस पोइम को जनरली हम ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं ये पोइम। तो शुरुआत करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एक लवर है वो क्या है, वो एक लुटेरा है, और जिसका काम क्या है, लोगों से पैसे चुराना है। और वो प्यार में पड़ जाता है किससे, एक जो होटल होता है, एक सराय जैसे होती है रस्तों में हाईवे पर, और वहाँ पर ही एक जो ओनर होता है उसकी जो बेटी होती है उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता है वो। पर जो वो लड़की होती है उससे एक और आदमी प्यार करता है, टिम ओसलर, जो घोड़ों की देखभाली करता है, और वो उससे शादी करना चाहता है। और लास्ट में क्या करता है वो बता देता है उसके बारे में, जो अपना जो वो है चोर, और लास्ट में उनको पकड़ लिया जाता। तो कैसे क्या होता है पोइम में, आइए इसको पोइम को पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ओवर द कोबल्स ही क्लैटेड एंड क्लैश्ड इन द डार्क इन यार्ड। तो वो होटल में आया, वहाँ पर जो कोबल क्या होता है, सड़क के जो पत्थर होते हैं उन पे, और वहाँ पर क्या हो रही थी, पत्थरों पे जो है वो घोड़े की सवारी करके आया था, और वहाँ पर ना आवाज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा घोड़े के कदमों की, एंड क्लैटेड एंड क्लैश्ड इन द डार्क इन यार्ड। और वहाँ पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर, रात का जो टाइम था उस होटल के पास, उस इन में, उस सराय में क्या था, रात का टाइम था। और वो किससे मिलने आया था, अपनी प्रेमिका बेस से मिलने आया था। He tapped with his whip on the shutters, but all was locked and barred. उसने क्या किया, जो whip क्या होता है, जो घोड़े की वो होते हैं ना, उसको लगाम नहीं, वो पीटने के लिए उसको जो एक छड़ी सी रखते हैं, उसको हंटर टाइप, उसको whip बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उससे जो है दरवाजों को, खिड़कियों को खटखटाया, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। ही whistled a tune to the window. फिर क्या किया, भाई जो आशिक लोग हैं वो तो सीटी भी बजाते हैं, खिड़की के पास गया और क्या किया है ना, whistle किया, सीटी बजाई, and who stood be waiting there? और कौन वहाँ पर इंतजार कर रही थी but the landlord, black eyed daughter, जो landlord की, मकान मालिक की जो बेटी थी नी, लाल ओ ब्लैक आई यानी कि काली आंखों वाली जो थी, उसकी बेटी बैस, जिसका नाम क्या था, लैंडलॉर्ड की डॉटर का नाम था बैस, द लैंडलॉर्ड डॉटर, जो मकान मालिक की बेटी थी। तो वो इंतज़ार कर रही थी अपने लवर का, क्या कर रही थी वो, पेंटिंग ए डार्क रेड लव नोट इन टू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। तो अपने जो लाल कलर कि जो एक जो रिबन है, जो लव नोट है, वो अपने जो है बालों में, उसके जो लंबे लंबे ब्लैक हेयर थे, काले जो बाल थे, उसमें अपने जो प्यार का रिबन होता है ना, उसको क्या कर रही थी, वो गूंद रही थी, उसमें उसको बना रही थी वो। एंड डार्क इन द डार्क ओल्ड इन यार्ड ए स्टेबल विकेट क्रिक्ड। और वहीं पर ही क्या होता है, अब जो वो टिम ओसलर होता है, जो प्यार करता है बैस से, और वो भी पता चल जाता है उसको क्या है, घोड़ों के जो पैदल चलने की आवाज़ है उससे वो उठ जाता है। एंड डार्क इन द डार्क ओल्ड इन यार्ड, वहाँ पर जो इन यार्ड में, जहाँ पे होटल के पास वो बरामदे में क्या होता है, एक स्टेबल, एक जो घुड़सवार, जहाँ पे स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, वहाँ पे क्या हुआ, एक विकेट क्रिक, और एक दरवाज़ा क्रिक की आवाज़ से खुलता है,
वेहर टिम द ओसलर लिसन, और जहाँ पर जो टिम है ना, लो ओसलर होता है जो घोड़ों की रखवाली करता है, उसने लिसन बात सुन ली भाई। हिज फेस वॉज वाइट एंड पिक्ड, उसका जो फेस था कैसा था, वाइट था, सफ़ेद था और पिक्ड था, पतला था, और वो गुस्से में लाल हो गया क्योंकि वो जो है बैस से बहुत ही प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि वो उसके जो चोर के प्यार में पड़े। हिज आइज वर होलो ऑफ मैडनेस, देखो अब देखिए उसकी जो आँख थी वो कैसी थी, होलो थी, खाली थी, ऑफ मैडनेस, वो क्या भर गया उसमें, मैडनेस, पागल हो गया वो, बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। हिज हेयर लाइक मोल्डी है, जो मोल्डी क्या होता है, गंदे से हे क्या होता है, घास फूस, जो उसके जो बाल थे ना वो गंदे से घास फूस की तरह उसके जो बाल थे, और वो बहुत ही नफरत करता था। बट ही लव्ड द लैंडलॉर्ड डॉटर, परंतु वो क्या है, उस लैंडलॉर्ड की डॉटर है, उसकी बेटी से प्यार करता था वो टिम। द लैंडलॉर्ड रेड लिप्ड डॉटर, और वो कौन थी, जो लैंडलॉर्ड की मकान मालिक की लाल, जिसके जो होठ थे, जो मकान मालिक की बेटी थी बेस्ट, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था टिम। डम्प एज ए डॉग ही लिसन, ऐसे जैसे डॉग होता है ना कुत्ता, उसकी तरह ही उसने उनकी जो है बात है सुनी, लिसन, एंड ही हर्ड द रोबर से, और जो रोबर ने उससे अपनी प्रेमिका से जो बैस से उसको बताना था ना कि भाई मैं कब आऊँगा, मैं कल आऊँगा, कहाँ पर आऊँगा, तो उसकी जो उन दोनों की जो बात है, बातचीत है, उस टिम ओसलर ने सुन ली। और फिर क्या था, वही होता है जो होना चाहिए। ही रोज अपराइट इन द स्टर्प्स, ही स्कर्स कुड रीच हर हैंड। अब क्या था, जो है बाय बाय करने का टाइम आ गया, जो कि जो वो चोर था, जो रोबर था, उसको क्या था, अब जाना था, अलविदा लेना था, और बाय बाय कहने से पहले जो अपनी प्रेमिका है, बैस है, उसकी क्या करना चाहता था, किस लेना चाहता था, चुम्बी लेना चाहता था। ही रोज अपराइट इन द स्टारअप, वो क्या करता, जो अपने जो घोड़ा होता है ना, उसकी जो पीठ है उसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो वो बैस थी वो कहाँ पर थी, खिड़की में थी, अपने रूम पे, चौबारे पे। ही स्केर्स कुड रीच हर हैंड, और वो उसके बिल्कुल हाथ से उसके मिल रहे थे आपस में, उसके पास वो किस करने के लिए पहुंच नहीं पा रहा था वो। फिर क्या करता वो, बट सी लूजन हर हेयर इन द केसमेंट, फिर वो क्या करती है, हाथ तो उनके पहुंच नहीं रहते, पर उसके जो बैस के बाल लंबे थे, क्या थे, बाल लंबे थे, और अपने जो बालों को खिड़की से नीचे लटका देती है। केसमेंट क्या होता है, खिड़की। हिज फेस बर्न्ड लाइक ए ब्रांड, और वो उसका जो चेहरा है वो खुश हो जाता है। एज द ब्लैक कास्केड ऑफ परफ्यूम केम टम्बलिंग ओवर हिज ब्रेस्ट, और जैसे ही ब्लैक कास्केड ऑफ परफ्यूम क्या होता है, जैसे झरना होता है, झरने की तरह ही जो उसके जो बाल थे वो ऊपर से नीचे लटके हुए थे, और उनमें से क्या आ रहा था, परफ्यूम, खुशबू आ रही थी, और जो उनको ही वो सूंघ रहा था, वो चोर था जो। एंड ही किस्ड इट्स वेव इन द मूनलाइट, और चंद्रमा की रोशनी में जो वो उन बालों को, बैस के बालों को क्या करता है, किस करता है वो, ओ स्वीट ब्लैक वेव इन द मूनलाइट, और उस वो बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है उसके लिए चंद्रमा की रोशनी में। देन ही टग्ड एट हिज रेन, और फिर वो जो रेन क्या होता है, घोड़े की जो लगाम होती है वो होती है रेन, तो घोड़े की जो लगाम है उसको जोर से खींचता है इन द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, एंड गलोप अवे टू द
वेस्ट और जो पश्चिम दिशा की तरफ गैलोप्ड यानी कि भाग जाना, पश्चिम दिशा की तरफ वो भाग जाता है और अपने जो बता जाता है उससे कहाँ पर मिलेंगे हम। और फिर क्या होता है, ही डिड नॉट कम इन द डॉनिंग, जब जो सुबह होता है, डॉन क्या होता है, सुबह का टाइम जब सूरज उगता है तो उस टाइम पर वो नहीं आता है। ही डिड नॉट कम एट नून, दोपहर के टाइम पर भी वो नहीं आता है। एंड आउट ऑफ द टोनी सनसेट बिफोर द राइज ऑफ द मून, और जबकि जो सनसेट का जो टाइम होता है और मून यानी कि चंद्रमा के उगने से पहले, व्हेन द रोड वाज जिप्सी रिबन, और जो रोड था जिप्सी की तरह क्या था वो, खाली था बिल्कुल, लूपिंग द पर्पल मोर, वो एक बिल्कुल के सुनसान जो है रास्ता था, वहाँ पर कोई नहीं था। मोर क्या होता है, बंजर की तरह वो था। ए रेड कोट ट्रूप केम मार्चिंग, और वहाँ पर कौन मार्च करते हुए आए, राजा के सिपाही, जिसने कैसे कोट पहने हुए थे, लाल कलर के कोट। मार्चिंग मार्चिंग मार्च करते हुए आए, किंग जॉर्ज मैन जो राजा के जो आदमी थे वो आए, क्योंकि जो टिम ओसलर था ना, उसने क्या दे दिया था उनको, खबर दे दी थी कि रात को कौन आएगा, वो जो है वो चोर है वो आएगा वहाँ पर। के मार्चिंग अप टू द ओल्ड इन डोन, और वो दरवाजे के पास जो होटल है सराय के पास, वो आ गए राजा के सिपाही, किसको पकड़ने के लिए, उस चोर को पकड़ने के लिए। सी ट्विस्टेड हर हैंड बिहाइंड हर बट ऑल नॉट हेल्ड गुड, तो उन्होंने क्या किया, जो बैस को एक वहाँ पर बेड के किनारे उसको बांध दिया, और क्या किया, जो उसकी जो ब्रेस्ट थी उनके नीचे उन्होंने बंदूक लगा दी और उसको चारों तरफ रस्सी से बांध दिया। सी ट्विस्टेड हर हैंड बिहाइंड हर, जो उसके जो हाथ थे उसके पीछे, उसने बहुत उनको छुड़ाने की कोशिश की, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, बट ऑल नॉट हेल्ड गुड, परंतु जो सभी जो है नोट है, जो गांठ है अच्छी तरह से बंधी हुई थी। सी विदर्ड हर हैंड टिल हर फिंगर वर वेट विथ स्वेट एंड और ब्लड, उसने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की अपने हाथों को छुड़ाने की, और इसी मेहनत में ही उसके जो हाथ है पसीने से और जो खून से भर गए। दे स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेंड इन द डार्कनेस एंड द आवर्स क्रॉल्ड बाई लाइक ईयर, तो वो डार्कनेस में क्या कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे उस चोर के आने का, जो लवर के आने का बैस का, और उसको आते ही मार देना वो चाहते थे राजा के सिपाही। और जो आवर्स थे, जो घंटे थे, वो कैसे बीत रहे थे, इसके बैस के ईयर्स सालों के बराबर वो बीत रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका जो प्रेमी है वो उससे मिलने आए और उसकी जान चली जाए। टिल नाउ ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कोल्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, अब क्या था, मिडनाइट था, आधी रात थी और बहुत ही ठंडा था वहाँ पर। द टिप ऑफ द फिंगर टच्ड इट, द ट्रिगर एट लास्ट वॉज देयर, तो उसने क्या किया, जो अपने हाथों से वो मेहनत कर रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा अपने हाथों को छुड़ाने की, तो अपना जो एक हाथ ही वो छुड़ा पाई, और जिसकी उससे जो है फिंगर है उसकी फ्री हो गई, और एक फिंगर ही उसको काफ़ी थी किसके लिए, ट्रिगर, ट्रिगर को दबाने के लिए, ताकि वो अपने जो लवर है उसको बता सके, ट्रिगर चला के, बंदूक चला के, उससे वो शोर हो जाएगा और जो उसका जो लवर है वो चला जाएगा, दूर से ही उसको पता चल जाएगा कि कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर ही गड़बड़ है। द टिप ऑफ वन फिंगर टच डिट, और जो है टिप है एक फिंगर की, उसने क्या किया, उनको टच किया। एंड सी स्ट्रो नो मोर फॉर द रेस्ट, और उसने रेस्ट के लिए कोई भी अब संघर्ष नहीं किया। अप सी स्टूड अप टू अटेंशन, वो खड़ी हो गई विद द मजल बीनीथ हर वेस्ट, और जो उसकी जो नाली थी बंदूक की नाली उसके चेस्ट के नीचे थी।
बनीधर ब्रेस्ट सी वुड नॉट रिस्क द देयर हियरिंग, वो उनका जो है वो सुन रहे थे लोग, वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सी वुड नॉट स्ट्राइव अगेन, अब वो और ज़्यादा जो है संघर्ष नहीं करना चाहती थी। फॉर द रोड ले बेयर इन द मूनलाइट, क्योंकि जो रोड था चंद्रमा की रोशनी में वो बिल्कुल ही सुनसान था, बेयर था, और उसका जो है प्रेमी है वो कभी भी वहाँ पर आ सकता था, और उसके आते ही वो पकड़ लेते राजा के सिपाही और उसको मौत के घाट उतार देते। ब्लैंक एंड बेयर इन द मून नाइट एंड द ब्लड ऑफ हर वेन्स इन द मून लाइट थ्रो टू हर लव रिफ्रेन। तो वो क्या था, जो उसकी जो ब्लड था उसकी जो वेन्स में उसकी जो नसों के अंदर जो खून था वो क्या हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा धड़कने लगा, थ्रोप धड़कने लगा, जो उसका जो दिल था किसमें, वो नहीं चाहती थी कि जो उसके जो है प्रेमी है उसकी जान जाए उसके कारण। और उसने क्या किया फिर, ही टर्न ही स्पर टू द वेस्ट, ही डिड नॉट नो हु स्टूड। तो जब वहाँ पर उसने, जब राधे आधी रात का टाइम था, उसको आने से पहले आधी रात को उसने अपनी जो है मजल है अपनी ब्रेस्ट के अंदर नीचे रखी और उसको दबा दिया ट्रिगर को, उसको सुनते ही टर्न, जो उसका जो लवर है उसको पता चल गया कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो क्या यहाँ पर टर्न हो गया और पीछे मुड़कर भाग गया वो। ही स्पर्ड तेजी से टू द वेस्ट, वेस्ट की दिशा की तरफ तेजी से भाग गया। He did not know who stood, उसको पता नहीं था कि कौन खड़ा है। Bowed with her head over the mosquito, जिसने अपना जो है सिर है वो झुकाया हुआ है किस पे, बंदूक के ऊपर। मस्केट क्या होता है, बंदूक। Drenched with her own blood, और जो अपने खुद की है जो खून में पूरी ही वो नहाई हुई है। Not till the dawn he heard it and his face grew grey to hear, जो है नॉट टिल डॉन, उसको जब ये जो सारी जो कहानी है बैस की कब पता चली, डॉन को, सुबह जब उसको सारी कहानी पता चली कि कैसे बैस ने अपने जो लव है उसकी खातिर अपनी जो है जान न्योछावर कर दी है। और उसको सुनते ही हिज फेस ग्रू ग्रे टू हियर, सुनते ही वे गुस्सा हो गया उसको कि भाई उसकी जो लवर है बैस है उसकी डेथ हो चुकी है। हाउ बैस द लैंड लॉर्ड डॉटर, कि कैसे जो बैस ने जो मकान मालिक की बेटी ने, द लैंड लॉर्ड ब्लैक डाइट डॉटर, जो लैंड लॉर्ड की काली आंखों वाली उसकी जो बेटी थी, हैड वॉच्ड फॉर हर लवर इन द मून लाइट, उसने अपने जो है लवर के लिए वॉच की थी, उसकी जो है प्रतीक्षा की थी, एंड डाइड इन द डार्कनेस देयर, और किस प्रकार उसने उस अंधेरे में अपनी जो है जान है वो न्योछावर कर दी, किस प्रकार उसने वॉच की, जो अपने जो है वॉच लुक्ड आफ्टर, अपने जो देखभाल की अपने प्रेमी के लिए, और उसके लिए अपने जो जान भी बलिदान कर दी। बैक ही स्पर्ड लाइक ए मैड मैन, और जब ऐसे ही उसने जब सुन सुबह को वो जब डॉन था तो तब उसने ये बात सुनी कि भाई बैस की डेथ हो चुकी है। ही स्पर्ड लाइक ए मैड मैन, किसी पागल आदमी की तरह वो तेजी से भागा। उसको पता चल गया भाई माई लव इज नो मोर, सी इज गॉन, तो उसको गुस्सा आ गया बहुत। ही स्पर्ड लाइक ए मैड मैन, पागल आदमी की तरह बहुत तेजी से भागा। शर्किंग ए कर्स टू द स्काई, और बहुत ही वो चिल्ला रहा था चिल्लाते हुए, टू द स्काई, आसमान की तरफ, विद द वाइट रोड स्मोकिंग बिहाइंड हिम एंड हिज रैपियर ब्रेडेस्ट हाई, और अपने हाथ में तलवार को लहराते हुए जोर से वो चिल्लाते हुए आ रहा था। ब्लड रेड वर हिज स्पर इन द गोल्डन नून, और दोपहरी में ही जो उसका जो है रेड ब्लड, लाल ब्लड था, वो सड़क पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको मार गिराया था राजा के सिपाहियों ने। वाइन रेड वाज हिज वेलवेट कोट, और उसके जो है खून के कारण ही जो उसका जो वेलवेट जो कोट था वो लाल हो चुका था। वेन दे सोट हिम डाउन ऑन द हाईवे, जब जो है उसको
शॉट हिम डाउन, उसको गोली मारी गई और नीचे गिराया गया। किस पे? हाईवे पर, डाउन लाइक ए डॉग ऑन द हाईवे। और जो उस हाईवे पर, उस रोड पे कैसे पड़ा हुआ था वो? लाइक ए डॉग, है कुत्ते की तरह प्यार करने वालों का यहाँ पर क्या हुआ है हाल? डाउन लाइक ए डॉग ऑन द हाईवे, कुत्ते की तरह रोड पे वो पड़ा हुआ था। एंड ही ले इन हिज ब्लड ऑन द हाईवे, और अपने ही जो खून में हाईवे के ऊपर वो पड़ा हुआ था, अपना जो खून में पूरा वो नहाया हुआ था, उसी में सना हुआ था। विद ए बंच ऑफ लेस ऑन हिज थ्रोट, अपनी जो चिन्ह है, अपनी जो ठोड़ी है, उस पे क्या लिए हुए था? पर वो रिबन, रिबन क्यों? कौन सा रिबन? वो ही जो उसका जो लवर है बैस ने उसके लिए बनाया था। तो वही जो लवर है, अपना जो प्यार का जो रिबन है वो अपने गले में लगाए हुए, वो भी चला जाता है। और फिर क्या होता है? फिर वो होता है वहाँ पर, वो भूत बन के फिर अपनी जो प्रेमिका से मिलने जरूर आता है। तो इस प्रकार की ये प्यारी सी ये एक पोएम थी अल्फ्रेड नूस की। आशा करता हूँ आपको को एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।